खाड़ी में क्या होने वाली है विनाश लीला? किस बहुत बड़े खतरे में घिरा इसराइल? क्या ईरान परमाणु हमले से दहला देगा? ये सवाल खाड़ी में छिड़े युद्ध के संघर्ष में अचानक सुलग उठे हैं। जिस युद्ध की शुरुआत ईरान ने की थी, उसे इसराइल अंजाम तक पहुंचाने को आमादा दिखाई दे रहा है। ईरान की ओर से किए गए 300 मिसाइल हमलों के जवाब में अब इसराइल ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है जिससे ईरान कांप उठा है। ये हमला ईरान के इस्फहान में किया गया है, जो सैन्य ताकत के नजरिए से ईरान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस्फहान में हुए इसराइल के बड़े हमले से ईरान के डर का सबब ये है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर ईरान के कई परमाणु केंद्र हैं। फारस न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरान के शहर इस्फहान के एयरपोर्ट तक धमाकों की आवाज सुनी गई है। हमला होते ही सकते में आए ईरान के तेहरान समेत देश के कई अन्य हवाई अड्डों से सभी उड़ानें रोक दी गईं। इस्फहान में इजराइल ने कई शक्तिशाली मिसाइलें बरसाईं, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस हमले से ईरान के लोग सहम गए, जिसके बाद सरकार की ओर से युद्ध का अलर्ट घोषित कर दिया गया और आम लोगों को भी अपने स्तर पर सावधान रहने को कहा गया है। इसराइल के इस बड़े हमले से बौखलाए ईरान को लेकर दुनिया भर में अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब ईरान एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर चुका है, क्योंकि इसराइल के हमले के बाद ईरान शांत बैठने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि वो अब और बड़ी क्षमता से जवाब देगा। चर्चा ये भी है कि ईरान अपनी परमाणु हथियारों को तैयार कर रहा है। हालांकि इस तरह के बड़े कदम पर विचार करना बहुत घातक हो सकता है, लेकिन दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध में इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चर्चा है कि ईरान के इस्फहान में, जहां उसके कई परमाणु केंद्र हैं, वहां हुए हमले के बाद इसराइल को बड़ा सबक सिखाना चाहता है। आपको बता दें कि ईरान ने कुछ दिन पहले ही इसराइल पर कुछ घंटों के भीतर 300 से ज्यादा मिसाइलें दागकर उसे दहला दिया था। हालांकि उस बड़े अटैक को लेकर इसराइल ने दावा किया था कि उसके एंटी मिसाइल सिस्टम ने इराक की ओर से दागे गए 99% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। लेकिन ईरान की ओर से युद्ध के प्रचंड आरंभ और उस पर इसराइल के जबरदस्त पलटवार से दुनिया सहम गई है। इस युद्ध की वजह कुछ समय पहले ईरान के दमिश्क स्थित दूतावास पर हमले को बताया जा रहा है। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान ने हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर इसराइल ने हमला किया तो वो और ताकत के साथ पलटवार करेगा, जिससे बेपरवाह इसराइल ने हमला कर ईरान को एक बार फिर से ललकार दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।